एक ऐसी गलती जिसका परिणाम अब उन्हें लोगों की गालियां खाने पर मजबूर कर रहा है। कीर्ति आजाद का एक्स प्लेटफॉर्म तमाम यूजर्स के भद्दे और गुस्से भरे कमेंट से गुलजार है, जिसमें विक्की मित्तल नाम के एक यूजर ने लिखा है, कीर्ति ना तुम क्रिकेट ठीक से खेल पाए और ना ही राजनीति कर पा रहे हो। आप देख रहे हैं वार्ता 24। कीर्ति आजाद, क्या ये नाम पहले कभी सुना है आपने? जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें बता दूं कि कीर्ति आजाद पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं और अभी एक राजनेता हैं। क्रिकेटर के तौर पर ये 1983 के क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। इनकी बात क्यों कर रही हूं, क्या लॉजिक होगा, यही सोच रहे हैं ना आप? दरअसल इसे एक संयोग कह लीजिए या कुछ और, इसी महीने की 17 तारीख यानी 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री ने अपना 73वां जन्मदिवस मनाया और ठीक इसके अगले दिन यानी कल कीर्ति आजाद ने अपनी सोशल मीडिया ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए मोदी जी की तारीफों में एक्स प्लेटफॉर्म पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं हमेशा मोदी जी की आलोचना करता था लेकिन आज मैं उनके बारे में कुछ कम ज्ञात अच्छी बातें साझा करूंगा। क्या आपको पता था कि मोदी जी ने दो बार जन्म लिया, पहला 29 अगस्त 1949 को उनकी डिग्री पर और दूसरा 17 सितंबर 1950 को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। 1950 में पैदा हुए मोदी जी ने 6 साल की उम्र में वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेची थी, लेकिन वडनगर में सिर्फ पटरियां ही गुजरती थी। वास्तविक रेलवे स्टेशन 1973 में बनाया गया था जब मोदी जी 23 वर्ष के थे। आपातकाल के दौरान मोदी भूमिगत थे लेकिन 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया। मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक प्रमाण पत्र के बिना 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से संपूर्ण राजनीति विज्ञान में पर स्नातक किया। मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनके पास पूरे राजनीतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री है। गुजरात विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को भी 2014 के बाद इस कोर्स के बारे में पता चला। मोदी ने मास्टर्स ऑफ इंटीरियर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री में अकेले प्रवेश किया, अकेले परीक्षा दी और अकेले डिग्री ली। अभी तक किसी भी छात्र या प्रोफेसर ने मोदी के साथ पढ़ाई करने का दावा नहीं किया है। भारत में कंप्यूटर के आने से पहले भी मोदी की डिग्री कंप्यूटर से छपती थी। 1978 में मोदी की डिग्री से पहले और उसके 10 साल बाद भी डिग्री विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा हाथ से लिखी जाती थी। 1992 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पेटेंट कराया गया फॉन्ट 1978 में मोदी की डिग्री को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मोदी की डिग्री रविवार को छपी थी जब कार्यालय बंद थे। इसी में से समय निकालकर उन्होंने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। एक और सबसे जरूरी बात रह गई, मोदी जी ने 35 साल भिक्षा मांग कर पेट भरा था। भिक्षाटन से समय निकालकर वो देशाटन को चले जाते थे। हॉलीवुड के यूनिवर्सल स्टूडियो और पेरिस में एफिल टावर के सामने कोट पहनकर फोटो भी खिंचाते थे। अगर आप लोग अभी भी नहीं मानते कि मोदी जी अलौकिक हैं, तो आप देशद्रोही हैं। सौजन्य से पिंटू कीर्ति जैन। ये पूरा पोस्ट मैंने जो आपको पढ़ के सुनाया वो एक एक शब्द कीर्ति जैन के हैं। पहले इन महानुभावी की शुरुआती लाइंस को पढ़कर तो मुझे यही लगा था कि देश के प्रधानमंत्री की कार्यशैली और उनके व्यक्तित्व से ये बहुत ज्यादा प्रभावी होंगे और ज्यादा से ज्यादा शायद इसलिए इन्होंने पीएम मोदी के बर्थडे को ध्यान में रखकर खूबसूरत से नोट लिखे होंगे। लेकिन नोटिस करिएगा, ये खूबसूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें तो व्यंग कसते हुए व्याकरण के साथ भी सरेआम खिलवाड़ किया गया है। और तो और, ये पूरा पोस्ट देखकर यही लग रहा है कि कीर्ति आजाद जी बुरी तरह से अपनी खिसियाहट बचाने के लिए मोदी जी के नाम का सहारा ले रहे हैं। बड़ी बात यह है कि उनके इस पोस्ट पर अब तक 2383 रिपोस्ट और 7,764 लाइक्स आ चुके हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का पोस्ट करके बहुत बड़ी गलती की है। एक ऐसी गलती जिसका परिणाम अब उन्हें लोगों की गालियां खाने पर मजबूर कर रहा है। कीर्ति आजाद का एक्स प्लेटफॉर्म तमाम यूजर्स के भद्दे और गुस्से भरे कमेंट से गुलजार है, जिसमें विक्की मित्तल नाम के एक यूजर ने लिखा है, कीर्ति ना तुम क्रिकेट ठीक से खेल पाए और ना ही राजनीति कर पा रहे हो। दूसरे यूजर गौरव लिखते हैं, सर वो इमरजेंसी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए ना प्लीज। तो एक अन्य यूजर एससी राणा लिखते हैं, पहला जन्म देश हित में जारी, दूसरा देश के गद्दारों और भ्रष्टाचारियों को ठिकाने लगाने के लिए। ऐसे करके कई और सारे एक्स के इतने सारे स्पेसिफाइड और वेरीफाइड अकाउंट से पोस्ट हुए हैं जिनसे कीर्ति आजाद को खरी खोटी सुनाई पड़ रही है। चलिए एक एक करके उन सभी अकाउंट्स के पोस्ट आप खुद ही देख लीजिए।
चलिए अब इतनी विख्यात शख्सियत बन चुके कीर्ति आजाद की पॉलिटिकल और पर्सनल जिंदगी के बारे में थोड़ी ताक झांक कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि आखिर में ये शख्सियत है कौन। बिहार के पूर्णिया जिले से आने वाले कीर्ति आजाद ने करियर की शुरुआत क्रिकेट से की थी। वो बल्लेबाज और ऑफ स्पिनर गेंदबाज रह चुके हैं। 1980 से लेकर 1981 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दौरे के लिए उन्हें सरप्राइज कॉल मिला, जिसके बाद से ही वो इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल हो गए थे। कीर्ति के क्रिकेट करियर का सबसे बड़ा अचीवमेंट 1983 में वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की तरफ से खेलना था, जिसके बाद उन्होंने राजनीति की पिच पर भी जमकर गेंदबाजी की है। कभी बीजेपी ज्वाइन किया तो कभी 1993 में दिल्ली के गोल मार्केट इलाके से विधायक चुने गए। 1999 में उन्होंने दरभंगा के लोकसभा सीट पर एक बार चुनाव लड़कर हाथ आजमाया था और वहां पर अशरफ अली फातमी को शिकस्त देकर सांसद भी बने। कहा जाता है कि दरभंगा वो सीट है जहां पे बीजेपी के खाते में पहली बार कीर्ति आजाद की तरफ से जो है वो सीट बीजेपी पार्टी को हासिल हुई थी, यानी इससे पहले कभी भी बीजेपी के खाते में वो दरभंगा वाली सीट नहीं आई थी। दरभंगा से तीन बार सांसद बनने के बाद कीर्ति ने फिर हृदय परिवर्तन करके कांग्रेस का रुख कर लिया। इसके बाद कांग्रेस का दामन छोड़कर उन्होंने टीएमसी का रुख कर लिया। फिलहाल वहीं पे बने हुए हैं और फिलहाल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भगवंत झा के बेटे कीर्ति इस पार्टी का सदस्य है। इनके बारे में इतना बखान करने की वजह इनका ये क्रिप्टिक पोस्ट था। मैंने सोचा जो लोग इनके परिचय से वाकिफ नहीं है उन्हें थोड़ा जानकारी दे दी जाए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर ले और अगर बदलाव के लिए कोई कमेंट या सुझाव देना हो तो फटाफट फोन उठा के कमेंट कर दे और देखते रहे मेरे साथ वार्ता 24। दे मुझे इजाजत, अभी के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्ता 24।